2009 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मैंने अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को समर्पित कर दिया और समाज को समर्पित कर दिया, और उसी को लेकर मैं 2009 से एक सपना देख रहा था। 2022 के अंदर कुछ हद तक और 2025 में मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा। 2009 में मेरी एक राखी सिस्टर थी जिससे मिलने के लिए मैं लुधियाना गया था, वहीं से ये सपना पूरा होता है। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है जो मैंने सपना देखा है वो क्या था। जब 2009 में लुधियाना मिलने के लिए अपनी सिस्टर से गया तो वो कहती कि भैया घूमने के लिए चलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं चलते हैं, और वो भी उस समय सेवंथ क्लास में थी। जब वो सेवंथ क्लास में थी तो मैंने सोचा घूमने के लिए कहाँ जाएगी, उस पिज्जा खाना होगा, बर्गर खाना होगा, ऐसा ही सोचकर मैं उसके साथ बाइक पे निकल गया। और उसने करते करते मुझे मदर टेरेसा अनाथ आश्रम के आगे जाके रोक दिया, कहता भैया अपने को यहाँ विजिट करके आना है। और हम उसके अंदर गए, वो अनाथ आश्रम भी है, वृद्धाश्रम भी है।